में धान या कंस्ट्रक्शन की जो मेकिंग प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होती है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1934 में एम एन रॉय इन्होंने ये प्रश्न उठाया था, और ये एक इन्होंने सजेशन दिया था कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, एक हमारा अपना कंस्टिट्यूशन होना चाहिए। बहुत लोग ये फैक्ट नहीं जानते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। 1934 एम एन रॉय, ये कौन थे? ये कम्युनिस्ट पार्टी के एक बहुत पायनियर लीडर थे, ठीक है, एम एन रॉय। और अगर आप इनके बारे में फाइंड आउट करोगे अपने गूगल पे या कहीं भी, तो ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो उस समय का बहुत इन्फ्लुएंशियल ग्रुप था कम्युनिस्टों का, उसके ये मेंबर रह चुके थे, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है 19, फिर से लिखते लिखते चलना है आपको, ठीक है ना, लिखते चलना है क्या? 1935 का जो कांग्रेस सेशन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, इसमें भी डिमांड किया गया था ऑफिशियली। फिर आता है 1938 में जेएल नेहरू ने ऑन द बिहाफ ऑफ कांग्रेस डिक्लेयर्ड, इन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल बी मेड बाय, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया विल बी मेड बाय ओनली इंडियंस। ये इन्होंने तीन, ये जो टाइमलाइन मैंने बताया, जवाहरलाल नेहरू ने कब डिक्लेयर किया था? 1938 में, प्लीज नोट इट डाउन, बाय जवाहरलाल नेहरू डिक्लेरेशन, ठीक है, ये सब आप लोग नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट चीजें आपको ध्यान रखते चलनी है, जो जो चीजें मैं बताऊंगा उसको प्लीज पॉइंट वाइज नोट करते चले। अब कंस्टिट्यूशन तो बनने की बात होने लगी, देश में विद्रोह होते थे हर समय, आपको पता है कितने सारे आंदोलन, बहुत हिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग तो सब कुछ देखेंगे, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसमें दो तीन जो है वो मेन है, जैसे अगस्त ऑफर, ये आया था 1940 में, प्लीज नोट इट डाउन, 1940, क्रिप्स मिशन, ये भी कंस्टिट्यूशन मेकिंग के लिए आया था, इसके क्या पार्ट थे ये सब हम लोग हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। देन आफ्टर कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन ये आया था 1946 में, 1945 46 मान सकते हो आप। और एक चीज क्लियर है, ये तीनों नोट करने के बाद, अगस्त और क्रिप्स ये दोनों फेल हो गए थे, तो फिर ये कैबिनेट मिशन अल्टीमेटली लाया गया, और इसके थ्रू हमारे जो आज देश का कंस्टिट्यूशन है इसी के प्रोसेस के तहत बनाना स्टार्ट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि और क्या क्या इसमें हमारे लिए जरूरियात चीजें हैं जो हमको याद रखना है। तीनों आपने नोट कर लिया, 1940, 1942 और 1946। 1946 के जो ये कैबिनेट मिशन है, इसके बाद ये कोशिश की गई थी कि बाकी सारी चीजों को, बाकी सारी कम्युनिटीज को एक जगह कहीं भी इकट्ठा करके हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है देश को यूनाइट करके। तो उस समय जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, ठीक है, उसका स्ट्रेंथ कितना था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मैं CA लिखूंगा, कोई दिक्कत है? CA मींस करंट अफेयर्स आल्सो, बट CA मींस यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेना है। उसकी जो स्ट्रेंथ बनाई गई थी वो बनाई गई थी 389, इसको हम डिमार्केट करते हैं अभिषेक श्रीवास्तव, वेरी नाइस उपासना तिवारी 19। हाँ, नेटिव कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग ही होता है उपासना, नेटिव का मतलब है द पीपल ऑफ द सेम लैंड, ठीक है, तो अगर नेटिव कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो नेटिव पीपल बनाए, उपासना कंफर्म है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके। तो हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। 389 लिए गए थे, इसमें से 296 जो थे वो ब्रिटिश इंडिया के थे, और बाकी जो थे वो और भी ब्रिटिश प्रोविंसेस, तो चीफ कमिश्नरी थे, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन सबको इसमें रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, और सिख ईसाई मुस्लिम इन सब कम्युनिटी को इनके प्रोपोर्शन के हिसाब से इनके रिप्रेजेंटेशन मिले थे, और जो भी उनका कम्युनिटी का लीडर था वो भी चुना गया था, इट मींस कि अगर क्रिश्चियन के हेड थे तो वो भी इसमें रिप्रेजेंट किए गए थे, मतलब पूरा इंडिया इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट किया था।
और एक चीज यहां ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्टली इलेक्टेड था, पार्टली इलेक्टेड प्लस पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी। इलेक्शन चूंकि कंप्लीट भी नहीं हुआ था और पार्टली नॉमिनेट, दोनों चीजें यहां पे लागू होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का कार्य शुरू हुआ किस तारीख से, तो सबसे पहला इसमें डेट है याद रखना है आपको। देखिए ये पूरा चैप्टर फैक्ट बेस्ड है, फैक्ट आप जितना याद करोगे ठीक रहेगा। 9 दिसंबर 1946 इस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक हुई एंड हेडेड बाय सचिदानंद सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा ने लीड किया, लेकिन ये एक तरीके से इम्परमानेंट प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, 11 दिसंबर को बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बनते हैं परमानेंट प्रेसिडेंट। क्लियर है, इम्परमानेंट या एक तरीके से कहेंगे जो परमानेंट थे वो राजेंद्र प्रसाद थे और उनके पहले जो थे वो इम्परमानेंट थे। क्लियर है, प्लीज नोट इट डाउन दोनों चीजें, प्लीज चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो। हाँ सर क्लियर है, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ने में मुझे हेल्प मिल जाएगी। अगला डेट आपको लिखना है, अगला डेट होगा 13 दिसंबर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाय जेएल नेहरू। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या होता है आपको मैं अभी डिटेल में बताता हूं। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है इसको क्लियर किया गया था। ठीक है, इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। हमारे जो संविधान होगा उसका उद्देश्य क्या होगा, हम क्यों बना रहे हैं, क्या जरूरत है इसकी, किस किस क्षेत्र में ये उपयोगी होगा, इन सब चीजों को। और ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था ये एडॉप्ट कर लिया गया फाइनली 22 जनवरी 1947 को। देखिए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था ना इसको एडॉप्ट किया गया। देखिए पहला जो भाषण था इनका, आप में से कभी कोई पार्लियामेंट में गया है, आप लोग कभी भी पार्लियामेंट में जाओगे तो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का स्पीच वहां अभी भी ओरिजिनल फॉर्मेट में रिकॉर्डेड है, मैंने सुना है। और वहां पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो स्पीच उन्हीं के वॉयस में है और वो कहते हैं, वो स्टार्ट होता है लॉन्ग इयर्स अगो, लिखना चाहें तो लिख लो, बहुत हिस्टोरिकल चीज है। लॉन्ग इयर्स अगो वी मेड अ ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, लॉन्ग इयर्स अगो वी मेड अ ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, और ये स्पीच उन्होंने शुरू किया था। काफी ज्यादा ये एक तरीके से इंडिया के संघर्ष को दिखाता है और इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो ऑब्जेक्टिव है उनको क्लियरफाई करता है। इस रिजोल्यूशन को एडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को, और यही जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ये हमारे प्रीएम्बल के रूप में आज हमारे सामने है। इसलिए मैंने कहा था ये एक बहुत जरूरी चीज है। सबसे पहले इसको प्रस्तुत किया गया 13 कब बताइए, मैंने अभी डेट बताया 13 नवंबर दिसंबर जनवरी, कितने तारीख को इसे लागू किया गया, इसे किया गया था कमेंट बॉक्स में मैं देखना चाहता हूँ। और एडॉप्ट 13 दिसंबर उपासना तिवारी, वेरी गुड। 22 जुलाई को इसे एडॉप्ट कर लिया गया, मतलब मान्य कर लिया गया। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो तो। और यही आज हमारा फाइनली प्रीएम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग रिजोल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री एंड हैव एंड जो इसके आगे काफी बड़ी लाइन है वो आपको याद होनी चाहिए, मुझे भी याद है बट काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बट याद होना चाहिए। कोशिश करो कि ऊपर से 4-5 लाइन तो एटलीस्ट याद ही हो, बाकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या क्या और काम किए गए, कौन कौन से और कमिटीज बनाई गई थी, ये आपको देखना है। अब चूंकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू किया गया था 1947 में, तो इसमें भी कुछ चीजें बदलाव की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं एक आपको हिस्टोरिकल चीज बताता हूँ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो दो काम करता था, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। पहला काम उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का था कि हम इस भारत के लिए संविधान लिखें, और दूसरा काम ये था कि हम भारत के लिए जो अभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसके लिए कानून एडमिनिस्ट्रेशन ये सब बनाना भी और उसे लागू करना भी उनका काम था। आज जो पार्लियामेंट आप देख रहे हो सेम ही बिल्डिंग थी,
अब तो नई पार्लियामेंट बनने जा रही है, तो इसमें दो तरीके के काम होते थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम होता था तो उसे लीड करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब संविधान सभा का काम नहीं होता था, देश के मुद्दों की बात होती थी और उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम होता था, तो जीवी मावलंकर उसे हेड करते थे। ठीक है, ये याद रखना है। तो संविधान सभा के पहले जो स्पीकर थे लोकसभा के, उनको जीवी मावलंकर का ये नाम है। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जो उनका काम था वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। अब ये तो आपको पता ही होगा, चूंकि आजाद हो गया भारत और सब चीजें सोवरेन हैं हमारे इस देश में, तो आपको ये समझनी चाहिए कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था, ये सोवरेन था। सोवरेन का मतलब क्या होता है कि ये अल्टीमेट अथॉरिटी खुद में रखा हुआ था, इससे ऊपर इस देश में कोई कानून नहीं है, और दूसरे देश के कानूनों को मानना न मानना ये अब हमारे ऊपर हो गया था। पूरे इस लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, मतलब संविधान बनाने में हमें कितने दिन लगे? 2 वर्ष 11 मंथ और 18 दिन। कितने सेशन टोटल ऑर्गेनाइज किए गए थे? 11 सेशन। इतना मतलब है कि 11 बैठकें हुई थी टोटल, इसमें डिस्कशन हुआ था, और इनके जो कार्यों को है उनको 3 रीडिंग में पास किया गया था। मान लो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, रेडी है, अब उसको 3 रीडिंग दिया गया था, 3 रीडिंग में ये पास किए गए थे। बाकी सारे फैक्ट हैं, आपको नोट करते जाना है। चलिए, अब लेजिस्लेटिव प्रोसेस का काम शुरू होता है। इट रेटिफाइड द इंडिया मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ क्या होता है? जो भी ब्रिटिश कॉलोनीज थी उनको एक कॉमनवेल्थ का ऑप्शन दिया गया था, और वो आज भी एग्जिस्ट करता है। इसकी मेंबरशिप को अप्रूव किया गया था 1949 में, ये इसी कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा किया गया। हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो कब एडॉप्ट किया गया? हाँ, 60 लाख रुपीज लगा था। नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम, ये तीनों का डेट याद रखना है। ट्रिक से याद रखो या कैसे भी याद रखो। देखो, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम, ये 24 जनवरी 1950, यानी जो रियल इनेक्टमेंट का डेट है 26 जनवरी, उसके 2 दिन पहले ये दोनों को एडॉप्ट कर लिया गया, इन्हें भी पास कर दिया गया कि यही हमारा नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम होगा। नेशनल फ्लैग को कब एडॉप्ट किया गया? नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट किया गया 22 जुलाई, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट किया गया। इसके अलावा और कौन कौन से काम किए गए? इसके अलावा काम किए गए वो थे, राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट, राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाए गए इसी इलेक्शन में, ये बनाए गए थे 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगभग 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया गया था। जाहिर सी बात है, इसको किसने स्टडी किया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ओरेटर पार एक्सीलेंस, एंड ही इज कॉल्ड ऑल्सो मॉडर्न मनु। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को, यही वो डेट है जब ये फाइनल सेशन इन्होंने लिया था, 24 जनवरी 1950 को ये खत्म हुआ। अब कुछ कमिटीज के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। कमिटी है पहला यूनियन पावर कमिटी, यानी संघ शक्ति कमिटी, जो हिंदी वाले हैं लिख लें, या यूनियन पावर कमिटी। कमिटी की स्पेलिंग तो वही होगी। ये लीड करते थे JL नेहरू। और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, देखिए दोनों में यूनियन लगा है, इन दोनों को लीड करते थे कौन लोग करते थे? तो JL नेहरू ही करते थे। प्रोविंसियल कमेटी, आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में सुना होगा, उन्होंने पूरे भारत को एकीकृत करने में बड़ा योगदान दिया था, तो ये प्रोविंसियल कमेटी बना दिया गया था। किसको? प्रोविंस दे दिया गया कि आप सबको इकट्ठा करिए, ये दिया गया वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, काफी बच्चे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज फर्स्ट PMS प्लीज टाइम से ज्वाइन करें, 9 बजे से 9:02 हो सकता है, लेकिन यार लेट करोगे रिकॉर्डेड लेक्चर तो उसमें अपने क्वेरीज नहीं पूछ पाओगे।
फिर कुछ कुछ और भी कमिटीज हैं, जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे हेड था, मेन था। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये आपको पता भी होगा। फिर अगले लिख लीजिए, फंडामेंटल राइट्स को लेकर के जो भी कमिटीज थी वो थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर, एस डी पटेल, ठीक है। और जो भी है, ऐसा नहीं है कि बाकी सारे कमेटी नहीं है, बहुत सारे कमेटी है, लेकिन एग्जाम में बहुत कम है पूछा जाता है। एक चीज याद रखना है, रूल्स एंड प्रोसीजर जो बनाए गए थे लोकसभा राज्यसभा के लिए, उस कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रूल्स एंड प्रोसीजर के हेड थे। बाकी इसके अलावा कुछ माइनॉरिटी कमेटी होगा, जिसमें आप लोगों को खुद से मैं एक वर्क देता हूं, फ्लैग कमेटी। फ्लैग कमेटी भी एक बनी थी, उसको किसने लीड किया था, किसने देखा था, ठीक है, ये आपको कमेटी किसके अंडर में था ये आपको बताना है। चलिए अब अगला चीज देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्ट क्या होता है? आप व्हाट डू यू मीन बाय ड्राफ्ट? ड्राफ्ट क्या होता है भाई, कौन से लोग बता सकते हैं? ड्राफ्ट देखिए क्या होता है, ड्राफ्ट वो चीज होती है, कोई भी चीज आपने सोची उसको जब एक जगह नोटिफाई करके क्लियरली मेंशन करके लिखा जाए इन रिटेन फॉर्म, तो उसे ड्राफ्टिंग कहते हैं। किसी भी अच्छे तरीके से फाइनल ड्राफ्ट रेडी होता है फिर उसके बाद, तो ये ड्राफ्टिंग का प्रोसेस यहीं से शुरू होता है। ठीक है, कुछ लड़के फ्लैग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नहीं फिर से आप चेक करिएगा अभी से, इट्स नॉट राइट आई थिंक। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स, इसको ट्रिक मैं दूंगा ऐसा आपको याद हो जाएगा। पहला तो इसके चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, B.R. अंबेडकर। अब लिखते चलिए, यहां से मैं ट्रिक दूंगा आपको याद हो जाएगा। देखिए इसमें जो भी 6 लोग हैं उनमें मैक्सिमम कृष्ण है या कृष्ण के नाम है, याद कर लो यार, अभी ये ट्रिक दे दे रहा हूं आपको याद हो जाएगा। पहला है एन एन गोपाला स्वामी, गोपाला स्वामी अयंगर, ये बताओ गोपाल है कृष्ण की नहीं है। फिर दूसरा है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी, ये भी कृष्ण है इसमें, प्लीज लिख लो आप लोग, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखते हैं नाम किसका है, डॉक्टर K.M. मुंशी, डॉक्टर K.M. मुंशी, प्लीज इतना आप लोग नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले हैं एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और डॉक्टर K.M. मुंशी। ठीक है, अगला देख लेते हैं, कुछ लोगों को रिप्लेस भी किया गया था, जैसे सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, इनको रिप्लेस किया गया, और एक है एन माधव राव, एक है एन माधव राव, तो इसमें भी माधव है, कृष्ण का नाम है, ये भी आपको याद हो जाएगा। लेकिन इनका क्या हुआ, बहुत ज्यादा तबियत खराब, मतलब इल हेल्थ की वजह से, बीमार पड़ने की वजह से इनको चेंज किया गया, और जिनका चेंज हुआ उनका नाम था B.L. मित्तर। तो ये आपको ऑटोमेटिकली दो बार रिविजन करोगे ये लिख देना, बीमार होने की वजह से ये चेंज कर दिए गए, उनका नाम था नए आदमी का B.L. मित्तर। और फिर अगला जो एक लास्ट नाम आता है वो आता है टी कृष्णामचारी, कृष्णामचारी। अब ये बताओ कि ये भी कृष्ण का नाम है, लेकिन इनको भी डेथ की वजह से डीपी खेतान को बनाया गया, इनका डेथ हो गया तो डीपी खेतान को इस मेंबर में इंक्लूड किया गया। ये दोनों प्लीज स्पेशली मेंशन्ड है, आप लोग प्लीज नोट कर लो, और यस इन कमेंट बॉक्स छोड़ दो ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ आपने नोट कर लिया।
ठीक है, उपासना एसएस। और लास्ट एक मेंबर जो मैंने पहले भी बताया था, शशिकांत गुप्ता। फिर से क्या, देखिए, एन माधव राव रिप्लेस्ड बाय बी एल मित्तर, टी टी कृष्णमाचारी रिप्लेस्ड बाय डी पी खेतान, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी और ये जो थे बी एन माधव राव, इनकी तबीयत खराब थी। क्लियर है? और सैयद सादुल्ला एक लास्ट मेंबर बच गया है, इनका नाम लिख लीजिए, बस ये एक अलग से है। तो क्या आपको ये ट्रिक याद रहेगा हमेशा? भीमराव अम्बेडकर एक चेयरमैन हो गए और सैयद सादुल्ला एक अलग नाम हो गया, बाकी सब कृष्ण का नाम है। तो आई थिंक आपको क्लियर है। कुछ लोग इनरोलमेंट रिक्वेस्ट सेंड किए हैं, इनरोलमेंट रिक्वेस्ट सेंड जो भी लोग कर रहे हैं प्लीज टाइमली पार्टिसिपेट करें। ठीक है, चेयरमैन ऑफ एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, सर्चिंग चल रही है अभी। गुड, सही है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद के बारे में किसी दिन मैं इंटरेस्टिंगली एक उनकी जो मोटिवेशन स्टोरी है मैं बताऊंगा, वो कितने मेहनती और कितने बोल्ड थे अपने इस एक्सेप्शनल एजुकेशनल कैरेक्टर की वजह से। सो वी हैव टू गो नेक्स्ट, अगली चीज हम डिस्कस करें। अब देख लो यार, इतने लोग कमेटी में थे, इन्होंने मेहनत करी, काफी मेहनत करी, और इसको बहुत एक फ्लावरी स्टाइल में ड्राफ्ट किया गया, लिखा गया, जो कि ओरिजिनल टेक्स्ट है हमारा। फिर इसे लागू करने की बात आती है, तो संविधान जो है हमारा 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था, बट आपको पता है 26 जनवरी को, चूंकि ये 1930 के सेशन में डिसाइड किया गया था कि हम हर साल 26 जनवरी को अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, जब भारत गुलाम था उस समय ये डिसाइड किया गया था। तो देन 26 नवंबर 1949 को लागू होने के बावजूद भी हम 26 जनवरी को फाइनली उसे अप्रूव करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। दो शब्द यहां जानना जरूरी है, इनैक्ट और एडॉप्ट। हिंदी वाले परेशान नहीं होंगे, दोनों चीजें सेम है दोस्त, ठीक है। इनैक्ट का मतलब होता है लागू हो गया, एडॉप्ट का मतलब है हमने उसे पूरी तरीके से लागू भी कर लिया, एडॉप्ट भी कर लिया। तो इनैक्ट पहले किया गया है, क्वेश्चन जो आएगा उसमें सावधान रहना है, ठीक है। एडॉप्ट कब किया जाएगा? फाइनली हर चीज लागू हो जाए उसके बाद। और प्रीएम्बल जो है वो पूरे संविधान के लागू होने के बाद लागू किया गया, प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना, इनेक्टेड और एडॉप्टेड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टमेंट। देखिए कुछ डीप चीजें भी हम लोग जानेंगे, जिस दिन ये 26 नवंबर का डेट था उस दिन से कुछ चीजें प्रभावी हो गई, जैसे कि इलेक्शन कमीशन, सिटीजनशिप, ये एक्स्ट्रा मोस्ट इसेंशियल जो चीजें थी वो एक्टिव हो गई। बहुत सारे जैसे इलेक्शन कमीशन की आर्टिकल है 324, 5 to 11 जो है वो सिटीजनशिप से रिलेटेड है। आर्टिकल रिलेटेड वीडियोस कितने कितने लोगों ने मेरी देखी है, आपको यहाँ भी स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगा कुछ लिंक, प्लीज यार फॉलो कर लेना ताकि आपको क्लियरली वो चीजें पता हो। लग रहा है किसी ने देखा नहीं, आर्टिकल की वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, कोई बात नहीं, मैं उसको फिर से पढ़ाऊंगा और डेली थोड़े थोड़े आर्टिकल आपको मैं याद कराऊंगा, इससे क्या होगा कि आपको पूरा याद हो जाएगा। चलिए अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स का टाइम आता है, क्या क्या चीजें आपको चाहिए होंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, वो सब चीजें को आप लोग देखेंगे। उपासना तिवारी आपने देखा, आई थिंक आपने काफी सारी वीडियोस देखी हैं, आपके कमेंट से पता चलता है, और बट सारे लोगों ने नहीं देखा होगा। तो सबसे पहला लिखिए, एलिफेंट जो था वो सिंबॉल था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का,
एलिफेंट वॉज द सिंबॉल ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है सर। बी एन राव ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, एलिफेंट क्या था, ये सिंबॉल था। अगला है बी एन राव, ही इज अ एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगला नाम होगा एच वी आर अयंगर, अयंगर ये सेक्रेटरी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। अब चलिए कुछ खूबसूरती वाली बातें करते हैं। देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था वो नॉर्मली हैंड रिटन था, उस समय टाइपिंग के भी ऑप्शन थे बट उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया था, तो उसको दो तीन व्यक्ति हैं जिन्होंने फ्लावरी स्टाइल में लिखा। फ्लावरी स्टाइल में लिख के दिखाता हूँ सर, जैसे आपको लिखना है मान लो आई लव माई इंडिया, तो आप ऐसे लिखोगे मैं वैसा लिख नहीं पा रहा हूँ, आई लव, ठीक है, बहुत ही वो एकदम ये जैसे मैंने माई लिखा है वैसे करके, बहुत ही ये कर्सिव होता है और काफी ज्यादा देखने में सुंदर होगा। ये लिखा गया था अल्टीमेटली अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इस लैंग्वेज में, इस स्क्रिप्ट में। ये किसने लिखा था ये प्लीज याद रखिएगा आप लोग, प्रेम विहारी। कभी आपको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट देखने को मिलेगा तो आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। प्रेम विहारी नारायण रायजादा, इनका नाम था प्रेम विहारी नारायण रायजादा, प्रेम विहारी नारायण रायजादा, ये जो था इन्होंने ये कॉलीग्राफी की काम की थी, मतलब सुंदर हैंडराइटिंग में इन्होंने लिखा था, ठीक है। और जो ओरिजिनल वर्जन था उसको आप देखोगे प्रीएम्बल का भी, इंटरनेट पे भी आपको मिल जाएगा, तो ये मान लो आपको इतने अगर दूर में प्रीएम्बल है, इतनी दूरी में, तो उसके आसपास ऐसे ऐसे फ्लावर लगाए हुए हैं बढ़िया से। जिसको लिखा था शांति निकेतन के कुछ स्टूडेंट थे नंदलाल बोस और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, सिर्फ नाम आपको जानना है कोई दिक्कत नहीं है। और हिंदी में भी कुछ लोगों ने कॉलीग्राफी की है, इट्स नॉट टू मच इंपॉर्टेंट। और हिंदी टेक्स्ट जो था वो थोड़े से बाद में आया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया था वो इंग्लिश में लिखा गया था। देखिए लिखा तो गया था दोनों मिक्स में, लेकिन पहले एक फाइनल ड्राफ्ट में उसे रेडी किया गया, फिर उसको बाद में अच्छे से अमेंड करके हिंदी में भी लाया गया। ये मुख्य मुख्य चीजें थी जो आपको जानने चाहिए थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्शन हुए थे 1946 में, तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट मिली थी। ये सब चीजें हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, ठीक है। 11 सेशन होते हैं, आपको याद होना चाहिए। और इस 11 सेशन के बाद हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमारे सामने आज है और वो उपस्थित है। तो आई थिंक इसमें एवरीथिंग इज क्लियर। अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो आप क्लियर कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो, क्योंकि कल से हम हिस्ट्री की क्लास से स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट मॉडर्न हिस्ट्री इन वेरी डिटेल। मैं टाइमली सिलेबस खत्म कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली पेमेंट प्रिंस कुमार और ये नंदिता गोंड, इन लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेमेंट टाइम से कर दो, क्योंकि काफी लोगों के पेमेंट अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। जिनके भी पेंडिंग है वो पेमेंट टाइम से कर दे, ताकि सिलेबस को एक ऑलमोस्ट लेवल पे पहुंचाया जा सके। और ठीक है ओके, तो किसी को कोई क्वेरी नहीं है, आई थिंक सबको कुछ सबको सही है, सब कुछ समझ में आया है ना। तो प्लीज एक बार आप यहाँ यस लिख दें कि सर आई हैव सम क्वेरीज, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, तो मैं समझ जाऊं। और इस सेशन को यही समाप्त करेंगे। 4 बजे जो मैम की क्लास आ रही है जीके जीएस की, जनरल साइंस की क्लास हमने स्टार्ट की है 4 PM से। कितने लोगों ने कल उस अभी से जितने लोग लाइव हो उसमें से कितने लोगों ने कल मैम की क्लास 4 बजे देखी थी? किसी ने नहीं देखा था। मैं अभिषेक श्रीवास्तव, आपने देखा था, हाँ आप इसमें भी उपस्थित रहते हो। और किसी ने? अभिषेक, प्रिंस, शशिकांत, नंदिता गोंड, उपासना, सुधांशु, एसएस। यार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि
जो नॉट सीन अभिषेक, शशिकांत गुप्ता, आप आए हुए थे SS, आप लोग 4 बजे अवेलेबल होकर के और लाइव वो सेशन अटेंड किया करो। और उसमें आज कल तो सिलेबस की कुछ बातें हुई थी और थोड़ी सी चीजें ड्यू टू माई ट्यूशन क्लासेज। ओके ठीक है, टाइमिंग मैनेजमेंट तो जरूरी है, हर चीज समझना जरूरी है। आई होप कि आप लोग टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखोगे और टाइम से उपस्थित हो जाओगे। एब्सेंटिज्म इज नॉट अ गुड हैबिट, किसी भी चीज में एब्सेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो यही सेशन यही समाप्त करते हैं, 4 बजे आप लोग जरूर आइएगा। आई होप कि आप सब आएंगे और मैम का वो क्लास अटेंड करेंगे। थैंक यू सो मच।